नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। जेडीयू को सताया बीजेपी की नाराजगी का डर। उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजी पर सफाई देने उतरे वरिष्ठ नारायण। कहा, गठबंधन अटूट, जाति जनगणना को लेकर राजद के ऑफर और उस पर जेडीयू सांसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के अति उत्साह के बाद नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी की नाराजगी का डर भी सताने लगा है। जी हां, लिहाजा नीतीश कुमार के नजदीकी नेता वरिष्ठ नारायण सिंह को सफाई देने के लिए मैदान में उतारा गया है। जी हां, वरिष्ठ नारायण सिंह ने राजद के ऑफर को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जेडीयू का बीजेपी के साथ अटूट संबंध है। जी हां, और आरजेडी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दरअसल दो दिन पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया था। जी हां, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। बता दें कि नीतीश जातिगत जनगणना के मसले पर बीजेपी से संबंध तोड़े हैं। राजद उनकी सरकार को गिरने नहीं देगी। जगदानंद सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की ऑफर दे रहे थे, तभी राजद की रणनीति झलक रही थी। जगदानंद सिंह उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो आदन पलटी मारने वाले नेता है, एक बार फिर बीजेपी से पलटी मार चुके हैं। दिलचस्प बात ये रही कि जगदानंद सिंह के ऑफर के तुरंत बाद जेडीयू सांसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें थैंक्स कहा, यानी शुक्रिया अदा कर दिया। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातिगत जनगणना के मामले पर राजद के साथ के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं। कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार तो हर हाल में जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। जी हाँ, इसके लिए किसी की नाराजगी की परवाह नहीं की जाएगी। बता दें कि कुशवाहा के बयान का मैसेज ये गया कि आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती का प्लॉट तैयार हो रहा है। बयानबाजी के इस दौर के बाद जेडीयू को अंदाजा हुआ है कि बीजेपी के पास इसका काफी गलत मैसेज गया है, लिहाजा पार्टी अब सफाई देने उतरी है। बता दें कि इसके लिए वरिष्ठ नारायण सिंह को आगे किया गया है। वरिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाते हैं। नारायण सिंह ने मीडिया में जारी बयान में कहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अटूट है। आरजेडी ने जेडीयू को जो ऑफर दिया है उसमें कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है। सीएम ने साफ कर दिया है कि वो इस पर बीजेपी से बात कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा से गठबंधन टूटने की बात कहां से आ गई। वरिष्ठ नारायण सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आरजेडी या किसी और के कुछ कहने से बिहार के बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, दोनों पार्टियां साथ हैं, लेकिन अगर कहीं भी मतभिन्नता होती है तो आपस में बात होती है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाले जाना चाहिए। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।